दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अगर फिर से मेरे एक नए वीडियो में मेरे चैनल पर। और आज मेरे पास है ओप्पो का F5 मोबाइल जिसका CPH वर्जन आप देख सकते हैं 1723। ये 2021 का लेटेस्ट पेज से अपडेटेड है और इसको हम अनलॉक करेंगे अपने UMT डोंगल की सहायता से, MTK के सेटअप से, क्योंकि ये MTK वाला ही है। तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इसके साथ ही कोई भी अगर आपको डोंगल बॉक्स चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। आपको बेस्ट रेट में मेरे पास से मिलेगा और सारे टूल्स वगैरह हार्डवेयर टूल्स भी आपको मेरे वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। चाहे तो मेरे साथ व्हाट्सअप से भी अपना डायरेक्ट आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो फिलहाल हमें अपना इसको UMT का MTK वाला जो सेटअप है इसे हमें ओपन कर लेना है रन एज ए। तो इसे मैं ओपन कर लिया है मैंने इसको। उसके बाद हमें इसमें देखिए मेटा मोड से इसको अनलॉक करेंगे तो इसका डाटा सारा निकल जाएगा, सारा रिमूव हो जाएगा डाटा इसका। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इससे हमें नहीं छेड़ना है। नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन ओप्पो रिसेट Method 1 Method 2, तो Method 1 पर ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो 2 पर भी ट्राई करेंगे। और रिसेट डिवाइस मेटा पे हमें क्लिक करके मोबाइल को स्विच ऑफ करके मोबाइल का वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन एक साथ प्रेस करके डाटा केबल अपडेट इसके अंदर लगाना है। तो आप देखेंगे हमारा 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये रिमूव हमारा हो जाएगा। तो देखिए मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था, अभी मैंने इसको ऐसे ही लगा रहा था तो ये ऑन हो गया मोबाइल। अभी इसको मोबाइल को कम्प्लीटली मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको दोबारा से करता हूँ। दोस्तों अगर आप इसी लाइन में हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर की फील्ड में, हार्डवेयर की फील्ड में, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी जिससे जो आपके लिए नॉलेजेबल हो सकती हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो देखिए मैंने इसको लगा दिया है अप डाउन करके और यहाँ पे हमारा MediaTek का पोर्ट बन चुका है। उसके बाद हमें एक बार और रिसेट डिवाइस मेटा पे करना है, यानी 2 बार ही करेंगे टोटल। तो देखिए हमारी डिवाइस इसकी प्रोसेसिंग फॉर्मेटिंग की स्टार्ट हो गई है। ये देखिए पूरी डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इसके आगे कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन चैनल आ गया, यानी कि हमारा ही काम चल रहा है इसमें। तो देखिए हमारा पूरा इसमें डिवाइस का इन्फॉर्मेशन आ चुका है और अब चल रहा है हमारा लास्ट स्टेप चल रहा है स्टार्टिंग सेव फॉर्मेट रिसेट पर। ये हमारा देखिए सक्सेस हो चुका है और अभी मोबाइल को हम ऑन करके देखेंगे और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर क्या कंडीशन है मोबाइल की। 2 से 3 मिनट मोबाइल को ऑन होने में लगते हैं। तो हमारा मोबाइल इस बीच के ऑन हो रहा है। कोई भी अगर दोस्तों अगर डोंगल बॉक्स चाहिए या कोई भी आपको हार्डवेयर टूल्स वगैरह चाहिए, स्टेंसिल चाहिए, तो आपको सारी उपलब्ध है मेरे पास, बेस्ट रेट में आपको मेरे पास से मिलेगा। देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है और ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मैं मिलूंगा आपसे आने वाले अगले हेल्पफुल वीडियो में।